हे गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप ठीक हो, खुश हो, स्वस्थ हो। आई एम सचिन, वेलकम टू माय चैनल द रिव्यू बॉक्स। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, फॉलो, शेयर जरूर कीजिए। सो लेट्स सी व्हाट्स देयर इन द रिव्यू बॉक्स टुडे। आज के वीडियो का टाइटल है द फेम गेम ऑफिशियल ट्रेलर। माधुरी दीक्षित ने संजय कपूर मानव कौल रिलीज ऑन नेटफ्लिक्स। सो टेल मी, what is it like being Anamika Anand? I feel very blessed. I'm just a mom, a wife, a daughter. Ek simple si family hai. Touch wood. Kisi ki nazar na lage. Anamika! Mama! Do you know where my mom is? It's been 48 hours since the disappearance of the legendary actress Anamika Anand. Each and every minute is critical here. उनके डिसअपीयरेंस के पहले आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है? आई वांट टू नो एवरीथिंग। शारीरिक संबंध कैसे आपके? नागपुर के मिडिल क्लास लड़के की ड्रीम गर्ल थी वो, शादी का चांस मिल गया। क्या लगता है कैसे होंगे रिलेशन? काफी क्लोज हो गया आप उनसे, तो आपसे वो सब शेयर करती होगी? हम लोग सिर्फ वो एक्ट्रेस नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा थे। वो है यही बताते, आई कैन फील हर। सबको ढूंढने की जरूरत है, सही जगह। इन सब चेहरों के पीछे क्या है हमें यही जानना है। कैमरा के आगे कुछ और होता है और कैमरा का सच कुछ और हमें वही सच जानना है। Do you think maybe we should tell them about that night? ये stardom एक पल में गायब हो सकती है। सारी जिंदगी दूसरों के लिए परफॉर्म करते निकालते हैं, मुझे खुद के लिए कुछ करना है। अनामिका आनंद की लाइफ परफेक्ट है। That's not true. जिसने पूरी लाइफ रोज एक नया रोल प्ले किया है, वो खुद को कैसे याद रखेगी? Sometimes our own family are the ones who cannot be trusted. तो दोस्तों, द फेम गेम इस ट्रेलर में हमें जो कुछ दिखाई दिया है, इससे ये मालूम हो रहा है कि कोई मर्डर मिस्ट्री या सस्पेंस थ्रिलर होनी चाहिए। और ख़ास करके बहुत सालों के बाद संजय कपूर और माधुरी दीक्षित ने ये दोनों की जोड़ी हमें दिखाई देगी। ख़ास करके 90s में तीन चार फिल्में माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की थी, और उसमें एक उनकी जो फिल्म थी राजा, ये बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी और उसके गाने भी लोगों ने काफ़ी पसंद किए थे, कि जैसे नजरें मिली दिल धड़का, आँखियाँ मिलाओ कभी आँखियाँ चुराओ, क्या तूने क्या क्या जादू, किस दिन बनूंगी मैं राजा की रानी, ऐसे बहुत सारे उसके गीत थे जो उस समय बहुत ही फेमस हुए थे। अब इतने लंबे अरसे बाद फिर एक बार हमें माधुरी और संजय दोनों की ये जोड़ी इस द फेम गेम में हमें दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर भी माधुरी दीक्षित सचमुच में अगर कहे तो एक लेजेंडरी एक्ट्रेस का ही किरदार निभा रही है, जो स्वयं खुद भी वो है। और इसमें उसका कैरेक्टर है अनामिका आनंद का, और जैसे हर एक की ज़िंदगी में होता है, हर एक की अपनी एक प्रोफेशनल लाइफ होती है और एक पर्सनल लाइफ होती है, वैसे यहाँ पर भी माधुरी दीक्षित की जिसको नाम शोहरत सब कुछ मिला है, साथ ही साथ उसका अपना एक भरा पूरा परिवार है। संजय कपूर उसके पति दिखाए हैं, उसके अपने बच्चे हैं, और ऐसा दिखाया जा रहा है कि वो शायद काफ़ी खुश है अपने परिवार के साथ। तो पर कई बार ऐसे होता है कि जो दिखता है वैसा होता बिल्कुल नहीं है, और कई बार इंसान जो रहता है दोहरी ज़िंदगी ड्यूल लाइफ वो जीते रहता है, चेहरे पर चेहरा, कैमरा के सामने एक और कैमरे का सच कुछ और कहता है। तो और ख़ास करके इस ट्रेलर से हमें थोड़ा बहुत ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल एंगल भी दिखाया जा रहा है। और 48 घंटे से अनामिका आनंद जो है वो गुमशुदा है और उसकी गुमशुदगी की तलाश हो रही है। तो हम देख रहे हैं कि फिर एक बार एक सस्पेंस थ्रिलर हमारे सामने आ रहा है, और हम देख रहे हैं कि 90s की जितने सारी है जो बेहतरीन एक्ट्रेसेस थी, है ना, एक के बाद एक हमें वेब सीरीज़ के OTT प्लेटफॉर्म पर हमें नज़र आ रही है। अभी पिछले महीने हमने देखा था कि इसी नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर अरण्यक नाम की जो वेब सीरीज आई थी,
उसमें से रवीना टंडन जी ने उसमें पदार्पण किया, और फिर एक बार प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे वो द लेजेंडरी फेमस रमेश सिप्पी, उनके बेटे रोहन सिप्पी। और अगर आपने आरण्य की ये वेब सीरीज़ देखी होगी तो हमने देखा होगा कि बहुत ही ग्रिपिंग, बहुत ही सस्पेंसफुल ऐसी वो स्टोरी रही है, और बहुत ज़बरदस्त भूमिका रवीना टंडन की उस वेब सीरीज़ में रही है। और पूरा विश्वास है कि इसमें भी हमें माधुरी दीक्षित का वही जलवा, वही सब हमें देखने को मिलेगा जिसके लिए वो काफ़ी फेमस है। तो इंतज़ार रहेगा इसका, और मुझे लगता है कि इसकी जो रिलीज़ डेट है वो कुछ फरवरी के लास्ट वीक में है, तो हम सभी बड़े बेसब्री के साथ इसका इंतज़ार करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए।